हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में देखे थे कि कैसे मेंडलीव ने किसको आधार मान करके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें एटॉमिक मास को उन्होंने आधार माना था कि जो एलिमेंट्स हैं यदि उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक समान प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। टेबल जो कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने उसके लिए कुछ वर्टिकल कॉलम्स लिए जिसे ग्रुप्स बोला गया, कुछ हॉरिजेंटल रोज थे जिसे पीरियड बोला गया। टोटल 8 मेन ग्रुप्स, एक जीरो ग्रुप आया। प्रत्येक ग्रुप का सब ग्रुप दिया उन्होंने, 1A, 1B, 2A, 2B ऐसे करके। ग्रुप 8 में जो है कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जिनको 3 अलग अलग ट्राइड में रखा, एक में क्या था, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, वैसे फिर कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ऐसे टोटल 7 पीरियड्स बन रहे थे उसमें। तो बहुत कुछ आसान हुआ इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के आधार पे एलिमेंट्स और उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना या फिर समझना। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ गुण, मेरिट्स, क्या क्या गुण थे। नंबर 1, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का एक सिस्टमेटिक स्टडी, मतलब कि जो अलग अलग ग्रुप में उन्होंने तत्वों को अरेंज किया, जैसे मान के चलो ग्रुप 8 की ही बात कर ले हम लोग, 3 ट्राइड्स बनाए, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, फिर था कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और फिर था निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। तो इसमें से यदि आप आयरन के प्रॉपर्टी को जान गए हो, समझ गए हो, तो बाकी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज भी उसी के जैसे होंगे। जैसा वैलेंसी आयरन का है वैसे रुदेनियम का, वैसे ऑस्मियम का। जिस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन आयरन कर रहा है उसी प्रकार का कंपाउंड रुदेनियम के द्वारा बनाया जाएगा ऑस्मियम। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में यदि आप एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जान गए हो तो बाकी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज भी उसी के जैसे होंगे, यह आप सियोरिटी के साथ बोल सकते हो। और सच में ऐसा होता है कि एक ग्रुप में एक समान जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, एक समान होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं सबका। उसी प्रकार से जैसे जीरो ग्रुप में था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो जैसा प्रॉपर्टी नियॉन का है वैसा ही हीलियम के लिए है, वैसा ही आर्गन, सबका वैलेंसी जीरो। यदि नियॉन का वैलेंसी जीरो है तो इस ग्रुप में जितने एलिमेंट है सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा, जीरो। वैसे जो अल्कली मेटल था ग्रुप 1 में, लिथियम, तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इसमें यदि इसका वैलेंसी एक है तो बाकी का भी एक ही है, या एक सॉफ्ट मेटल है तो बाकी भी लगभग सॉफ्ट ही नेचर के होने वाले हैं। तो उस ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से समझ गए हो तो बाकी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आसानी से गेस कर सकते हो कि हाँ बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी इसी के जैसे होंगे। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहा इस टेबल का। उसके बाद देखो, एटॉमिक मास के आधार पर अरेंजमेंट तो न्यूलैंड का भी था, उनका भी था ना, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम लोग पढ़े उसमें भी तत्वों को एटॉमिक मास का बढ़ते क्रम में सजाया गया था, लेकिन वहाँ कुछ कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास थोड़ा फॉल्ट था। मेंडलीव जब उस एलिमेंट को अरेंज करने लगे अपने पीरियोडिक टेबल में तो कुछ कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास का करेक्शन भी करा इन्होंने, तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास का करेक्शन। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास
करेक्ट किया गया। बेरिलियम का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 9, उस समय जो था 8 पॉइंट करके कुछ था, 9 नहीं था, जबकि एक्चुअल मास इसका कितना है 9। इसके एटॉमिक मास को मेंडेलियव ने करेक्ट किया कैसे, तो एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास निकालने के कई तरीके हैं, इसके लिए ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ करके रखा है हमने, यूनिट 1 जो था। तो इक्विवेलेंट मास जो निकाला गया बेरिलियम का वह था 4.5, वैलेंसी बेरिलियम का 2, तो यह आ गया 9, जो कि एग्जैक्ट या करेक्ट एटॉमिक मास था किसके लिए, बेरिलियम के लिए। तो इस तरह से कई एलिमेंट के एटॉमिक मास को सुधारा गया मेंडेलीव के द्वारा, ताकि वह पीरियोडिक टेबल में फिट बैठ सके, अपने एक सर्टेन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाए, ताकि उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट से यह मैच कर जाए। और अगला एडवांटेज या मेरिट, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना मेंडेलीव, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज करने लगे, तो उस ग्रुप में और एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन उस समय तक वे एलिमेंट का खोज हुआ नहीं था। तो वे क्या किए कि वो एलिमेंट जहाँ होना चाहिए थे ना, वहाँ खाली जगह छोड़ दिए, और ऐसा प्रिडिक्ट करा उन्होंने कि इस पोजीशन वाला एलिमेंट का खोज जब भी होगा, तो इसका प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के, इसी कॉलम के बाकी एलिमेंट से मैच करेगा, बाकी एलिमेंट से मिलेगा। जैसे एल्युमिनियम को अरेंज करा उन्होंने, बीच में खाली जगह छोड़ दिया, क्या होता है इसके नीचे उनको पता नहीं था, तो बोल दिए कि यहाँ जो एलिमेंट होगा वह एक्का एल्युमिनियम, या कोई एलिमेंट का नाम नहीं है, ये एक्का का मतलब कि उसके बाद का, कि एल्युमिनियम के बाद का जो एलिमेंट इस कॉलम में होगा, इस ग्रुप में होगा, उसका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से ही मैच करेगा। और सच में जब बाद में एलिमेंट का खोज हुआ, जो कि क्या था, गैलियम था, तो देखा गया कि यह गैलियम का प्रॉपर्टी एकदम मैच कर रहा है एल्युमिनियम से, जैसा वैलेंसी एल्युमिनियम का था वैसा ही वैलेंसी गैलियम का आ गया, बाकी भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा मेरिट था उनके पीरियोडिक टेबल का या पीरियोडिक फॉर्मूलेशन का। उसी प्रकार से सिलिकॉन के नीचे कोई एलिमेंट था, नहीं पता था उनको, उस समय तक खोज ही नहीं हुआ था, तो फिर वह बोल दिए कि यहाँ जो एलिमेंट होगा इक्का सिलिकॉन। और बाद में इस एलिमेंट का खोज हुआ जर्मेनियम के रूप में, और सच में देखा गया कि इस जर्मेनियम का जो प्रॉपर्टी है वह किससे मैच कर रहा था, सिलिकॉन का। तो ऐसे करके कुछ खाली जगह छोड़े गए थे पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव का, और उस खाली जगह के लिए जो एलिमेंट्स उन्होंने प्रिडिक्ट करा था, जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, बाद में सच में वह सेम ही दिखाई दिया, मतलब कि बाद में जब उस एलिमेंट का खोज हुआ, तो वह एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। तो ये कुछ एडवांटेज थे, कुछ मेरिट्स थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। नंबर 1, सिस्टमेटिक स्टडी आसान हो गया तरीका, कि एक ग्रुप के एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को जानो, बाकी का वैसा ही होगा। दूसरा, कुछ कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को उन्होंने करेक्ट करा, क्योंकि एटॉमिक मास के आधार पे ही एलिमेंट को सजा रहे थे, तो जिसका एटॉमिक मास नहीं फिट बैठ रहा था उस अरेंजमेंट में, उसके एटॉमिक मास को इक्विवेलेंट मास के मदद से, वैलेंसी के मदद से सही किया। और लास्ट में कुछ एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ना, जो बाद में खोज होकर के पता चला कि हाँ एग्जैक्टली वे वही एलिमेंट्स हैं, वैसा ही प्रॉपर्टी है इनका, जैसा प्रिडिक्ट किया गया था मेंडेलीव के द्वारा। अब आते हैं डिमेरिट्स पे। ये तो मेरिट्स हो गए, डिमेरिट्स क्या था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, ड्रॉबैक क्या था, क्या कमियां थी, या फिर क्या डिसएडवांटेज था। तो सबसे पहला जो कि अभी तक है,
वह है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था ग्रुप वन ये एलिमेंट से, मतलब लिथियम सोडियम पोटासियम वगैरह से, और इसी का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था ग्रुप सेवन ये, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप वन ये एलिमेंट से मैच कर रहा है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप सेवन ए एलिमेंट से मैच कर रहा है। जैसे इन सारे एलिमेंट पे प्लस वन चार्ज होता है तो इस पे भी प्लस वन होता है, इन सब पे माइनस वन चार्ज होता है तो इस पे माइनस वन भी होता है। ये प्योरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हैं तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक नेचर दिखाता है, ये सभी प्योर मेटेलिक नेचर के हैं तो हाइड्रोजन भी मेटेलिक नेचर दिखाता है। मेटेलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सके तो हाइड्रोजन कर पाता है, नॉन मेटेलिक में आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए तो ये भी गेन कर पाता है। तो ऐसे दो दो ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रहा है तो पहला तो कन्फ्यूजन यही हो गया कि अब आप इसे यहाँ प्लेस करोगे या यहाँ। तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को रख दिया ग्रुप वन ये एलिमेंट के साथ रख दिया, कोई कारण नहीं बताए कि आखिर क्यों इसको ग्रुप वन ए के एलिमेंट के साथ रखा जाए, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी था वे दोनों ग्रुप के एलिमेंट के साथ सिमिलर था। तो ठीक है आप यहाँ रखें तो कोई आधार बताना चाहिए था ना कि हाँ इस आधार पे हम इसे यहाँ रखें। हालांकि ज़्यादा तो प्रॉपर्टी इसका मैच इसी से कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह देखोगे तो फिर इससे ज़्यादा मैच कर रहा है। बावजूद इसको रखा गया ग्रुप वन ये एलिमेंट के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ, तो क्यों रखे वहाँ तक कोई गलती नहीं है, क्यों रखे इसका कोई एग्जैक्ट बात उन्होंने कोई एग्जैक्ट फैक्ट जो है नहीं बता पाया। मतलब कॉन्ट्रोवर्सियल रहा हाइड्रोजन का पोजीशन उस मेंडली पीरियोडिक टेबल में। उससे भी बड़ा जो डिफेक्ट रहा वह रहा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। क्या रहा? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली वे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास लेकिन सेम एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन तीन तरह के ऑब्जर्व किए गए, एक का मास वन, दूसरे का टू, तीसरे का थ्री, जबकि एटॉमिक नंबर सबका क्या था? सेम। अब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किए किस बेसिस पे अरेंज किया था उन्होंने? तो इस एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब यदि हाइड्रोजन का तीन तरह का एटॉमिक मास है, कुछ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास एक, कुछ का दो, कुछ का तीन, तो यदि हाइड्रोजन का तीन तरह का एटॉमिक मास है और आप एटॉमिक मास के आधार पे ही एलिमेंट को अरेंज किए हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन का तीन पोजीशन होना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आइसोटोप्स वे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम है, अंतर है उनका एटॉमिक मास में। और आप एटॉमिक मास को बेस बना करके चले हो कि हाँ एलिमेंट को या जो भी उसमें एटम है उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो सेम प्रॉपर्टी वाले रिपीट करेंगे। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन तो तीन तरह का ना हुआ। और हाइड्रोजन ही नहीं, ऐसे और कई एलिमेंट्स हैं जिसके एटम्स का अलग अलग मास है, मतलब आइसोटोप्स कई एलिमेंट के होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते तो उनका अलग अलग पोजीशन देना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, नहीं है। तीन तरह का हाइड्रोजन तीन जगह थोड़े है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, एक है वो भी कॉन्ट्रोवर्सियल है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसके भी तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन है उसके भी तीन आइसोटोप्स हैं, लेकिन सबका सेम पोजीशन दिया गया, तो फिर आपका एटॉमिक मास कहाँ से वैलिड हुआ? एटॉमिक मास को जो आप बेस बना करके चले तो फिर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर तीन पोजीशन होना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये भी रहा। उसके बाद एक और फॉल्ट जो दिखा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब ये एलिमेंट को सजा रहे थे तो एटॉमिक मास एक ऑर्डर में नहीं था,
लेकिन प्रॉपर्टी सेम था, तो प्रॉपर्टी के आधार पे उन्होंने एटॉमिक मास को इग्नोर करा और एलिमेंट को ज़बरदस्ती वहाँ अरेंज कर दिए। जैसे आर्गन एटॉमिक मास होता है 39.9, पोटासियम 39.1, तो कौन पहले होना चाहिए एटॉमिक मास के आधार पे? ऑब्वियसली पोटासियम पहले, उसके बाद आर्गन। लेकिन उन्होंने क्या करा कि आर्गन को पहले रख दिया, पोटासियम को बाद में, ऐसा। तो सही तो ही है, एटॉमिक मास को यदि आप बेस बनाए हो तो भाई जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, मतलब पोटासियम पहले आना चाहिए आर्गन से, पोटासियम का एटॉमिक मास कम है आर्गन से। लेकिन नहीं, उन्होंने आर्गन को ही पहले रख दिया, मतलब एटॉमिक मास इंक्रीजिंग की जगह यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो ये तो ज़बरदस्ती वाला बात हुआ। फिर उसी तरह से कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9, निकेल 58.7, कौन पहले होना चाहिए? निकेल, इसका मास कम है, इसके बाद होना चाहिए कोबाल्ट। उल्टा कहानी था, कोबाल्ट पहले बाद में निकेल, तो फिर यहाँ भी ज़बरदस्ती किया गया कि एटॉमिक मास को आप बोल रहे हो बेस, और अरेंज करते समय ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी मिलाने के चक्कर में एटॉमिक मास का कंसिडरेशन ही आप भूल गए, जैसे तैसे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बन गया, तो यह भी एक डिफेक्ट आ गया। तो तीन मेन डिफेक्ट, तीन मेन डिमेरिट इस टेबल का। नंबर वन हाइड्रोजन का पोजीशन, नंबर टू आइसोटोप्स के लिए कोई अलग पोजीशन ना देना, और नंबर थ्री के एटॉमिक मास के ऑर्डर को भूल जाना और प्रॉपर्टी मिलाने के चक्कर में कुछ भी अरेंज कर देना। लेकिन इन कमियों के बावजूद बहुत कुछ अच्छा था, इसलिए कंसिडरेशन में अभी भी है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और अब फाइनली हम लोग आते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं हम लोग, आवर्त सारणी जो है। देखो, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि साइंस में कोई भी फैक्ट आप दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कोई थ्योरी दे रहे हो, तो जब तक एक्सपेरिमेंटली उसे आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ना तो रिजल्ट सही आएंगे, भले मन के आधार पे अपने बेसिस पे जो भी आप बोल लो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट बात सामने नहीं आ पाता है। जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आप ना दो, जब तक कुछ एक्सपेरिमेंट आप ना करो उससे रिलेटेड, तो अभी तक जितना आया है तो सब थ्योरेटिकल बातें थी ना, कहाँ कोई एक्सपेरिमेंट देखने को मिला बताओ, चाहे वह डोबेराइनर का हो, न्यूलैंड्स का हो, लोथर मेयर का हो, या अभी मेंडेलीव का हो, कहीं कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है, कहीं कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है कि हाँ एटॉमिक मास को ही बेसिस क्यों किया जाए, मतलब मेन क्यों माना जाए, एटॉमिक वॉल्यूम को ही आधार क्यों माना जाए, कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है। तब जा करके जब फाइनली आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऐसा। और यह जो आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यह इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद आया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी 1893 के आसपास या 1890 से 1900 के बीच, और यह आया था 1913 में। इसके लिए एक अंग्रेज फिजिसिस्ट, काफ़ी अंग फिजिसिस्ट नौजवान थे, मोजले, जो कि कोई केमिस्ट नहीं थे बल्कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने कि कुछ एलिमेंट्स को लेकर के, जैसे मान लिया जाए कि यह कोई एलिमेंट है,
इसके अंदर कई एटम्स हैं इसके। इस पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को टकराया गया, हाईली एनर्जेटिक मतलब कि काफ़ी तेज वेलोसिटी से थे। हाईली एनर्जेटिक, तो जब एलिमेंट को हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से टकराया गया तो यहाँ से एक्सरे जनरेट हो रहा था। क्या जनरेट हो रहा था? एक्सरे। अब चूंकि यह एक रे है, एक रेडिएशन है, तो इसके लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वगैरह होगा, तो इसके लिए इसके फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करा उन्होंने, मोजले ने। एलिमेंट लिए, इस एलिमेंट को हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से टकराया गया, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कोई एलिमेंट वगैरह से ही। तो जब यह इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से एलिमेंट में जाकर के हो रहा था तो यहाँ से एक्सरे जनरेट हो रहा था, और इस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया मोजले ने और ऑब्जर्व किया कि जो एक्सरे यहाँ से जनरेट हो रहा है, इस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी बेसिकली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है किस पे, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे, उसके एटॉमिक मास पे ना निर्भर करके, एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके डिपेंड कर रहा है किस पर, एटॉमिक नंबर पर। और तब उन्होंने यहाँ से एक रिलेशन दिया कि इस एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वह बराबर होगा ए जेड माइनस बी। यहाँ न्यू तो समझ गए, उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है, ए और बी कांस्टेंट टर्म थे, कांस्टेंट्स, जो हर एक एलिमेंट के लिए सेम था, सेम फॉर ऑल एलिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान जितने भी एलिमेंट लिए गए थे उन सब के लिए ए बी का वैल्यू सेम रखा गया, और जेड यहाँ उसका एटॉमिक नंबर है। तब उन्होंने देखा कि हाँ, या जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे का वह बेसिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और इसके लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। क्या था ग्राफ? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इधर एटॉमिक नंबर। अब इस इक्वेशन से साफ दिख रहा है कि यह जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ किस तरह का आता है? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, और यह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। ओरिजिन से शुरू होने का मतलब एटॉमिक नंबर जीरो। अब जीरो एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट थोड़े ना पता था उस समय, कोई नहीं था, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर होगा जीरो से ज़्यादा ही होगा, एक दो तीन। इसलिए ग्राफ को यहाँ ओरिजिन से शुरू ना करके थोड़ा आगे से शुरू करना है। तो जो ग्राफ आया उसमें कुछ इस तरह का नेचर देखा गया कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी उस एक्सरे का ज़्यादा। यही ग्राफ जब उन्होंने प्लॉट किया एटॉमिक मास को लेकर के और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर यहाँ ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग लाइन जैसा आ रहा था। तो जिगजैग आ रहा है इसका मतलब कि एक रेगुलर वेरिएशन नहीं है, और यहाँ एटॉमिक नंबर से एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब यहाँ रेगुलर वेरिएशन है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर, मतलब उन्होंने दोनों किया, एटॉमिक नंबर के साथ भी ऐसा किया, एटॉमिक मास के साथ भी, दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट किया। और दोनों के लिए जब ग्राफ प्लॉट करा उन्होंने, तब इस बात को ऑब्जर्व करा कि एटॉमिक मास के साथ जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसका कोई एक नेचर नहीं है, जैसे तैसे ग्राफ आ रहा है, लेकिन वही ग्राफ एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच है तो एक रेगुलर कर्व बन रहा है। तब जा कर के बोले कि नहीं, किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को जानने के लिए, समझने के लिए उसका एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल यूनिट हो सकता है, एटॉमिक नंबर एक बेस हो सकता है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक मास नहीं। तो देखो यह रिजल्ट कब सामने आया, जब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया,
कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें इन्होंने बताई लोगों को या फिर सीखा, ऑब्जर्व किया तब जा करके। डायरेक्ट मुंह के बल पर बोलते जैसे बाकी लोग बोलते आ रहे थे तो यहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला था। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट यहाँ सामने आया ना, तो इस बेसिस को इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पे जो है बताया कि एटॉमिक नंबर वह चीज़ है जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है, ना कि उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी करता होगा लेकिन वे सारे प्रॉपर्टीज़ को नहीं, जिन प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक नंबर के आधार पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। और साफ उन्होंने कहा कि अब जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे वे एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज होंगे, ना कि एटॉमिक मास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तक, कि क्या एक्सपेरिमेंट किया मोजले ने और एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ और उससे क्या कंक्लूजन आया, क्या एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा और फिर उससे क्या निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष यही निकला कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट एटॉमिक मास। मतलब तत्वों को आप किस आधार पर सजाया जाएगा, एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो कैसा क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।